Today's topic is conjunction. First of all, I want to tell you the definition of conjunction. A conjunction is a verb that joins two words, two sentences or two clauses together. Conjunction वो होते हैं जो two words को, two sentences को या two clauses को joined करते हैं, जोड़ देते हैं. जैसे मैं ये कहूँ कि राम इज अ ऑनेस्ट मैन, श्याम इज अ ऑनेस्ट मैन. ठीक है, ये टू सेंटेंसेस हो गए. इफ आई वांट टू जॉइन देम, यदि मैं उनको जॉइन करना चाहती हूँ तो कैसे बोलूंगी? राम एंड मोहन आर ऑनेस्ट मैन. अब दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बन गया. किससे बना? हमने एंड लगा दिया बीच. बीच में जो एंड लगा दिया उसको एंड लगाने से वो दो का एक सेंटेंस बन गया. ठीक है, तो राम एंड मोहन, तो जो एंड लगाया, एंड क्या था? कंजक्शन था. उसको लगाने से टू सेंटेंस को हमने एक में ज्वाइन कर दिया. यू कैन यस लुक एट द एग्जांपल. प्राइड एंड ऑनर, एंड इज अ कंजक्शन, ज्वाइंस द वर्ड प्राइड एंड ऑनर. यहाँ पर किसको ज्वाइन करके दिखाया है? टू वर्ड्स को, प्राइड एंड ऑनर. नेक्स्ट देखिए, शी इज अ सिंगर, शी इज अ डेंटिस्ट. शी, अब इसको हमें ज्वाइन करना है. ये टू सेंटेंस है, शी इज अ सिंगर, शी इज अ डेंटिस्ट. इसको ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे? शी इज अ सिंगर बट, सॉरी वो दूसरा ही है, ही इज अ डेंटिस्ट. वह सिंगर है लेकिन वह जो है दूसरा वो क्या है? वो डेंटिस्ट. तो बट जो लग गया, बट लगाते ही हमारे टू जो है सेंटेंस वो ज्वाइन हो गया और एक मैसेज हो गया. दो का हमने एक बना दिया. ठीक है, तो इसको कहते हैं कंजक्शन. द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड. जो पुअर था वो मर गया उससे पहले कि गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूट करती, भोजन बांटती. ठीक है, अब हम इसको ऐसे पुअर हैड डाइड एक सेंटेंस हो गया, द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, ये एक अलग हो गया. हमने बीच में बिफोर लगाकर दोनों को ज्वाइन कर लिया. तो इसको बोलते हैं कंजक्शन. इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंजक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एंड. सबसे पहले हम लेंगे एंड को. एंड मीन्स क्या होता है? और. एंड मीन्स और, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इस तरह. इट इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉज, सेम टू और आइडियाज. मतलब जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को या दो आइडियाज को ज्वाइन करता है वो एंड होता है. आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी, मतलब जहां दोनों बात सेम होती है. एंड वहां यूज होता है जहां दोनों बातों में समानता होती है, इक्वलिटी होती है. जैसे आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी, दोनों ड्रिंक है, टी भी हॉट है और ड्रिंक की कॉफी भी हॉट है और दोनों ही सेम लेवल में आती है. तो मैं क्या पीना पसंद करता हूँ? टी भी और कॉफी. ही ईट केक, चॉकलेट, पेस्ट्री एंड चिप्स. अब यहाँ लगा दिया, वह क्या खाता है? केक खाता है, चॉकलेट खाता है, पेस्ट्री खाता है और चिप्स खाता है. एंड का मीनिंग समझ में आ गया, जहाँ सेम चीजों के बीच में यूज होता है. और बट नेक्स्ट है बट, इट इज यूज टू कनेक्ट टू कंट्रास्ट आइडियाज. देखो दोनों बिल्कुल डिफरेंट. एंड जहाँ सेम आइडियाज होते हैं, एंड बट यूज फॉर कंट्रास्ट आइडियाज, मतलब ऑपोजिट आइडियाज. एग्जाम्पल, एंडी लाइक्स रेड बट सोफी लाइक्स ब्लू. दोनों कंट्रास्ट हो गए. एंडी या कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, दिस इज द नेम एंडी. आप यहाँ कुछ भी यूज कर लीजिए, अनु कर लीजिए आपको अगर अजीब लग रहा है तो. अनु लाइक रेड, अनु लाइक पसंद करती है. क्या क्या लाइक करती है? रेड लाइक करती है. बट सोफी, लेकिन सोफी ब्लू लाइक करती है. दोनों अपोजिट है. आई एम डांसिंग बट शी इज सिंगिंग, दोनों अपोजिट है. मैं क्या करती हूँ? मैं तो डांसिंग कर रही हूँ बट वो क्या कर रही है? वो सिंगिंग कर रही है. दोनों ऑपोजिट आइडियाज में हम क्या यूज करेंगे? बट यूज करेंगे. नेक्स्ट है और.
और मींस होता है बेटा यार, मतलब चॉइस, जहां चॉइस होती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, जहां टू थिंग्स के बीच में चॉइस दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड और। जैसे यू कैन ईट इट विद अ फोर्क और अ स्पून, तुम इसे कैसे भी खा लो, स्पून से खा लो या फोर्क से खा लो, इट्स योर चॉइस, इट्स माय चॉइस है, स्पून से खाओ या फोर्क से खाओ, या और मींस या। नेक्स्ट इज यू आर मेकिंग द डायग्राम हॉरिजेंटली और वर्टिकली, इट्स योर चॉइस, तुम्हें डायग्राम बनाना है हॉरिजेंटली बनाओ या वर्टिकली बनाओ, इट्स योर चॉइस। ठीक है, जहां हमारी चॉइस होती है वहां हम क्या यूज करते हैं, और। नेक्स्ट है नॉर, इट इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड्स और आइडियाज बोथ ऑफ विच आर टू बी नेगेटिव, मतलब जहां नेगेटिविटी हो, जहां नेगेटिव वाला सेंस आ रहा हो। राम इज ड्रिंकिंग नीदर नॉट चॉकलेट, नीदर हॉट चॉकलेट नॉर कॉफी। राम नीदर मीन्स ना तो और ना वो, जैसे राम ना तो हॉट चॉकलेट पीता है और ना ही वो कॉफी पीता है, इसका मीन ये निकलेगा। किरण हैज नॉट कम नॉर हैज श्याम, ना तो किरण ही आई और ना ही श्याम आए, किरण नहीं आई और ना श्याम आया, दोनों में से कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट है यट, यट का यूज क्या होता है, यट इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज नॉट हैपेंड बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग, इट इज यूज, ये हमें एक्सप्रेस करती है कि आपको कुछ होने की एक्सपेक्टेशन है, कि आपको ये लग रहा है कि ये होगा, ये होगा, मतलब वो हुआ नहीं होता और आप उसको होने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग, मतलब मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई डूइंग, लेकिन फिर भी मैं इसे करने को ट्राई करूंगा, ऐसा हो नहीं रहा है फिर भी मैं करूंगा, ऑपोजिट कंडीशन आ गई ना। रॉकी टेरोराइजेस द पुडल्स नेक्स्ट डोर येट एडोर्स द जर्मन शेफर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। जो रॉकी है वो नेक्स्ट डोर पर है, टेररिस्ट है, लेकिन फिर भी जो जर्मन शेफर्ड है वो वहां वो गली को अक्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। नेक्स्ट है सो, सो मींस क्या होता है बेटा, इसलिए, इट इज यूज टू अ, इट इज यूज एज अ कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस। जो रिजल्ट, जैसे हमने कोई बात बताई उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम बताएंगे सो लगाकर। एवरीवन वाज बिजी इन वर्क, सभी व्यक्ति वर्क में बिजी है, सो इसलिए आई ब्रॉट ऑल द आइटम्स माइसेल्फ, इसलिए सारे आइटम्स मैं खुद ले आई। इसलिए मैंने क्या बताया, इसका रिजल्ट बताया, क्योंकि सब बिजी हैं इसलिए सारे आइटम मैं खुद ले आई। ऑल द रूम्स ऑफ द होटल वर ऑक्यूपाइड सो आई हैड टू शिफ्ट हियर, ये भी इसने रिजल्ट, ऑल द सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए मैं वहां शिफ्ट हूं, इसलिए, क्योंकि क्या हुआ था, सारे रूम्स वहां ऑक्यूपाइड थे इसलिए मैं वहां शिफ्ट हूं, इसलिए उसने रिजल्ट बताया कि किस लिए उसने ये किया, तो सो मीन इसलिए। नेक्स्ट है ईदर और, ईदर और या तो ये और या ये, जैसे ईदर मैट और जेल हैज टेकन द पेन, इस पेन को या तो मैक्स ले लेगा या जेम्स ले सकता है, हैज टेकन मतलब लिया है, ये पेन या तो मैक्स ने लिया है और या जेम्स ने लिया है, दोनों में से किसी एक ने लिया है, या तो मैक्स ने और या जेम्स ने,
इसके डेफिनेशन क्या दी है, इट इज यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स. मतलब इसमें भी वही हो गया जो हमने और में पढ़ा था, वही चीज इसमें है चॉइस वाली. आई विल ड्रिंक ईदर कोल्ड कॉफी और आइस टी. मतलब मैं क्या करूंगा, या तो मैं कोल्ड कॉफी पी लूंगा और या आइस टी पीऊंगा. समझ में आया, या तो मैं कोल्ड कॉफी और या आइस टी, दोनों में से कोई भी एक चीज. मतलब चॉइस होगी दोनों में, चॉइस वाला ऑप्शन आ गया इसमें भी. नेक्स्ट है नीदर नॉर, ना तो ये हुआ और ना, जैसे मैंने अभी पीछे नॉर वाला कराया था लगभग ये वही है बिल्कुल. इट इज यूज टू रिफ्यूज बोथ ऑफ द चॉइस. हमने दो चॉइस है हमारे पास, हमने दोनों को रिफ्यूज कर दिया. उसमें से तो हमने एक चॉइस मान ली इधर और में. नीदर और नॉर में क्या होता है कि हम एक चॉइस मानते हैं और एक चॉइस को हम रिफ्यूज कर देते हैं, तो वो नीदर नॉर में होगा. जैसे नीदर नॉर में हम दोनों चॉइस रिफ्यूज कर देते हैं. आई विल गो टू नीदर जयपुर नॉर जैसलमेर. मैं ना तो जयपुर जाऊंगी और ना ही जैसलमेर जाऊंगी, कहीं नहीं जाना. टू चॉइस है, दोनों रिजेक्ट हो गए. ठीक है, टू चॉइस है हमारे सामने और हमने दोनों रिजेक्ट कर दी कि मुझे ना तो जयपुर जाना है और ना ही जैसलमेर जाना. नेक्स्ट है नीदर दे आर राइटिंग नॉर आर दे अलाउइंग मी टू राइट. ये देखो, वे ना तो मुझे लिखने, मतलब ना तो वो खुद लिख रहे हैं. दे आर राइटिंग, नीदर दे आर राइटिंग, ना तो वो खुद लिख रहे हैं और नॉर आर दे अलाउ मी टू राइट, और ना ही वो मुझे लिखने के लिए अलाउ कर रहे हैं. समझ में आया, ना तो वे लिख रहे हैं और ना ही वो मुझे अलाउ कर रहे हैं लिखने के लिए, ना तो ये ना तो वो. इस तरह से जहां नीदर नॉर का ये. नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो. ना केवल ये हुआ बल्कि साथ में ये भी हो गया, ये इस तरह से यूज होगा इसका. ना केवल ये हुआ बट आल्सो ये भी हो गया. इट इज यूज टू एक्सपेक्ट द एडिशन ऑफ मोर देन वन थिंग. मतलब एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा बातें जहां पर जोड़ी जाए वहां हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो. जैसे शी इज नॉट ओनली अ डांसर बट आल्सो सिंगर. मतलब वो ना केवल डांसर है बल्कि साथ में क्या है, सिंगर भी है. वो ना केवल डांसर है बल्कि साथ में सिंगर भी है. तो जहां मोर देन वन थिंग होती. नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वी आर नॉट ओनली कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर अ फिल्म बट आल्सो डायरेक्टिंग अ फिल्म. हो गया मोर देन वन थिंग. मतलब हम ना केवल म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, हम ना केवल म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं बल्कि साथ में एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्म को भी डायरेक्टिंग दे रहे हैं. क्लियर, जहां मोर देन वन थिंग होगी वहां नॉट ओनली बट आल्सो. नेक्स्ट है आफ्टर. आफ्टर इट इज यूज टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स. जैसे एक के बाद एक काम, एक काम के बाद दूसरा काम, वहां आफ्टर मतलब बाद में, बाद. आई विल ड्रिंक द मिल्क आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट. वो याद है बाद वाला सेंस, मैं दूध पीऊंगा कब, आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट. अपने भाई, मेरे भाई के पीने के बाद मैं दूध पीऊंगा. बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में. यू कुड गो एंड प्ले आफ्टर यू हैव डन द डिशेस. क्या करोगे, तुम खेलने जा सकते थे. चले, यू कुड गो एंड प्ले आफ्टर यू हैव कब गए, आफ्टर यू हैव डन द डिशेस. डिशेस करने के बाद मतलब बर्तन साफ करने के बाद तुम खेल ले जा सको. इफ का क्या यूज होता है, इफ इज यूज टू एक्सप्रेस अ कंडीशन इन द क्लॉज. इफ मीन्स क्या होता है, यदि. इफ मीन्स यदि. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. यदि तुमने कठिन परिश्रम किया
तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। आ गया ना इसका मीनिंग, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मे लुक ब्यूटीफुल इफ शी यूज दिस क्रीम। वो ब्यूटीफुल दिख सकती है, वो सुंदर दिख सकती है तब यदि वो इस क्रीम को यूज करे। यदि वो इस क्रीम का यूज करती है तो वो ब्यूटीफुल दिख सकती है। क्लियर। नेक्स्ट 11, दो ऑल्दो एंड इवन दो, सेम थिंग सेम मीनिंग, नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना इन तीनों में। इसका मतलब जैसा कि, हालांकि, मगर, इस तरह के मीनिंग लगते हैं। इट इज यूज टू शो अ कंट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेस। इसमें जब टू क्लॉजेस होते हैं, मतलब टू सेंटेंस होते हैं जिसमें एक वर्ब होता है साथ में एक सब्जेक्ट होता है, उसको वन क्लॉज बोलते हैं। जब टू क्लॉजेस होते हैं दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। वेन वी यूज, कहां हम वहां क्या यूज करते हैं, दो या ऑल दो, मतलब मगर या हालांकि। जैसे दो ही पुअर, हालांकि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी क्या है वो ऑनेस्ट। अब देखो इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ऐसे भी बन सकता है कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। लेकिन हमने यहाँ सेंटेंस चेंज कर दिया, इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा, मतलब वैसे सेंस तो वही निकल रहा है लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार। दो शी वाज इंटेलिजेंट शी फेल्ड, हो गया ना कंट्रास्ट बिल्कुल। दो शी वाज इंटेलिजेंट, हालांकि वो क्या है, इंटेलिजेंट थी, हालांकि वह इंटेलिजेंट थी लेकिन फिर भी क्या हुई, फेल हो गई। शी फेल, फिर भी फेल हो गई। आई एम हैप्पी ऑल्दो आई वांट टू बी मोर, आई वांट टू बी मोर, हालांकि मैं खुश हूं, हालांकि मैं खुश हूं फिर भी मैं मोर एंड मोर चाहता हूँ, और ज्यादा चाहिए। कभी कोई सेटिस्फाइड तो होता ही नहीं ना, सबको और ज्यादा चाहिए होता है, तो उसको और ज्यादा चाहिए फिर भी। नेक्स्ट है, ऑल्दो दे आर गुड, ऑल्दो दे आर गुड एट इट, दे डिड मिस्टेक, हो गया बिल्कुल अपोजिट कंडीशन। हालांकि वे अच्छे हैं इस काम में, मतलब इस चीज में वो अच्छे हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक कर दी, जैसे आप लोग कर देते हो, बहुत अच्छे हो पढ़ने में लेकिन फिर भी मिस्टेक कर देते हो, है ना, अच्छे हैं फिर भी मिस्टेक कर दी, अपोजिट कंडीशन है। ओके, दैट 12 है एज, एज मतलब इट इज यूज टू शो टाइम कॉज एंड रीजन इन अ सेंटेंस। वैसे बेटा जो एज पढ़ा है आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, एज का यूज हम बिकॉज की तरह करते हैं। एज का यूज हम किसकी तरह करते हैं, बिकॉज की तरह करते हैं। जैसे बिकॉज में हम रीजन बताते हैं किसी चीज का, इसी तरह से एज में भी हम रीजन ही बताते हैं किसी चीज का, ठीक है ना। जैसे ये एज इट इज यूज टू शो टाइम, इसमें हम टाइम शो करते हैं, कॉज कारण बताते हैं, उसका रीजन वही हो गया कारण कॉज एंड रीजन इन अ सेंटेंस। जैसे एज आई लेफ्ट माई होम आई फाउंड अ पर्स, क्योंकि मैं घर से निकला था, जब मैं घर से निकली तो मुझे क्या मिला, एक पर्स मिला। पर्स कब मिला, क्यों मिला, क्योंकि मैं घर से निकली। इसने कंडीशन बताई, शी वीक एज शी वॉज वीक, क्योंकि वह कमजोर, क्योंकि वह वीक है, कमजोर है क्योंकि वह बीमार थी, वो कमजोर है क्योंकि वह बीमार थी इसलिए कमजोर। ओके, यस स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग मी, यस मैम, ओके बेटा। 13 है अनलेस, अनलेस मतलब अनलेस मीन्स व्यर्थ में ही,
It shows the negativity started in a condition, stated in a condition. जहाँ negativity दिखाई देती है, you will not pass unless you study. या negativity आ गई, तो pass नहीं होगे, बेकार नहीं पढ़ रहे हो. तुम पास नहीं होगे, बेकार ही पढ़े तो. She will not stop crying unless she meets her father. She will not, मतलब वो बेकार में अपने पापा से मिलती है, वो रोना फिर भी नहीं रोकेगी, रोएगी रोएगी फिर भी वो रुकना नहीं, रोना नहीं रुकेगा उसको, वो बेकार में अपने पापा से मिलती है. क्लियर हुआ? Unless. और until का मीनिंग क्या होता है बेटा? Until means होता है जब तक. देखो एक होता है till, एक होता है until, दोनों का मीनिंग जब तक होता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है जब तक. जैसे एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, वेट हेयर टिल आई कम, वेट हेयर टिल आई कम, जब तक मैं आऊ मेरा यहाँ वेट करो. ठीक है, एक होगा वेट हेयर अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊ मेरा यहाँ वेट करो. जब तक मैं ना आऊ यहाँ मेरा वेट करना. समझ में आया डिफरेंस? अंटिल में मैंने क्या लगाया? जब तक मैं ना आऊ और जब तक मैं आऊ टिल में, इसमें क्या दिखाया है? आई डू नॉट गो अंटिल आई कम, मतलब डू नॉट गो, सॉरी आई नहीं है वो वन है, डू नॉट गो अंटिल आई कम, मत जाना जब तक मैं ना आऊ. समझ में, जाना मत जब तक मैं ना आऊ, यहाँ ना वाला सेंस लगेगा. दे आर नॉट रेडी टू पे अंटिल दे गेट द हाउस. दे आर नॉट रेडी टू पे, मतलब वो पे करने के लिए रेडी नहीं है, पे करने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनको घर नहीं मिल जाता. जब तक वो पे नहीं करेंगे पैसे, जब तक उन्हें घर नहीं मिलेगा. क्लियर हुआ बेटा सिर मीनिंग? अंटिल मीन्स जब तक ना. ओके क्लियर? एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मीनिंग लगता है जब तक. इट इज यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड इट्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू एन इवेंट. ये कोई टाइम एक्सटेंड होने से, जो किसी भी इवेंट से कनेक्टेड होता है, किसी भी ड्यूरेशन से कनेक्टेड होता है, ये वहां पर यूज किया जाता है. जैसे एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द मशीन विल रन. दो घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जब तक लाइट है जब तक मशीन चलेगी, जब तक लाइट है जब तक मशीन चलेगी. शी इज द न्यू कैप्टन एज लॉन्ग एज द प्रीवियस कैप्टन रिकवर. न्यू कैप्टन है जब तक पुराना ये जो कैप्टन है रिकवर करेगा, तब तक न्यू कैप्टन है. बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन मोस्टली आंसर वी हैव यूज द वर्ड ऑफ बिकॉज. जब हम किसी भी बात का, किसी भी एक्शन का रीजन एक्सप्लेन करते हैं तो वह हमें बिकॉज यूज करना होता है. इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन. हम किसी एक्शन का रीजन एक्सप्लेन करते हैं. जैसे आई विल ईट अ पिज्जा बिकॉज आई एम हंग्री. मैं पिज्जा खाऊंगा, क्यों खाऊंगा? बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ. ओके, वी हैव टू क्लीन द हाउस बिकॉज टुमारो इज दिवाली. हमें घर की सफाई करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि टुमारो इज दिवाली, क्योंकि कल दिवाली है, इसलिए हमें घर की सफाई करनी है. She is not coming to school. वह स्कूल नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? Because she is ill. क्योंकि वह बीमार है. है नहीं? और इसी को हम दूसरे तरह से और कह सकते हैं बेटा, कि she is ill. So she is not coming to school. यहाँ पे so का यूज हो जाएगा. इसी को पलट के बोल देते हैं कि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ रही. She is ill. So she is not coming to school. और अगर मैं कहूंगी शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल बिकॉज शी इज इन, क्योंकि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ रही. दोनों की सेम है, मीनिंग सेम है, बट कहने का स्टाइल चेंज है और दोनों में कंजक्शन भी चेंज हो जाएगा. जब हम कहने का स्टाइल चेंज करेंगे
तो कंजक्शन भी चेंज हो जाएगा दोनों. ओके, नेक्स्ट है सिंस. यस, यू हैव लर्न द यूज ऑफ सिंस इन द टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यू हैव लर्न द यूज ऑफ सिंस. दिस इज यूज टू शो अ टाइम रेफरेंस इन अ सेंटेंस. जो टाइम रेफरेंस को शो करता है कि ये वर्क कब से हो रहा है. आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ जनवरी. मैं यह कब से कर रही हूँ, जनवरी से कर रही हूँ. क्योंकि यहाँ मंथ नेम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये मंथ नेम दिया हुआ है. शी मे पास, मैं पास हो सकती है. शी हैड स्टडीड दिस सब्जेक्ट, मतलब ये कब से इस सब्जेक्ट को पढ़ रही है, जब से इसे पास हो सकती है. नेक्स्ट है वेयर. वेयर मीन्स, यहाँ वेयर का मीनिंग बेटा कहाँ नहीं है. आप समझते हैं कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, बट वेन वेयर यूज एज अ कंजक्शन, जब हम वेयर का यूज एज अ कंजक्शन करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है जहां. इट शोज प्लेस और पोजिशन, स्पेसिफिकेशन इन अ सेंटेंस. ठीक है, आई डू नॉट नो वेयर इट इज टू बी कैप्ट. देखो यहाँ का मीनिंग आई डू नो, मुझे नहीं पता. यहाँ पे इसका मीनिंग कहाँ है निकल, मुझे नहीं पता वेयर इट इज टू बी कैप्ट कि उसने वो कहाँ रखा. यहाँ कहाँ भी आ जाएगा, जहां भी आ सकता है. शी मे गो वेयर शी वॉन्टेड टू गो. अब यहाँ देखो, वो जा सकती है जहां वो चाहे, या जहां से मतलब है वो जहां चाहे वहां जा सकती है. ठीक है बेटा, वेयर मीन्स जब एज ए कंजक्शन यूज होगा तो उसका मीनिंग जहां भी हो सकता है और कहां भी हो सकता है. और जब क्वेश्चन वर्ड में यूज करते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो वहां वेयर मीन्स कहां ही होता है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यही बोलेंगे ना. नेक्स्ट है बिफोर. बिफोर मीन्स पहले, या बिफोर मीन्स सामने. इट इज यूज टू शो अ पोजिशन, अ टाइम दैट स्टेज एन इवेंट फिनिश्ड अर्लियर. यहाँ पर एक पोजिशन, पोजिशन हम किस में शो करते हैं. बिफोर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, यू नो बिफोर एक प्रीपोजिशन भी होती है और बिफोर एक कंजक्शन भी होता है. गेट रेडी टू गो बिफोर द जूरी, जाने के लिए तैयार हो रहा है जूरी से पहले, जूरी से पहले जाने के लिए तैयार हो जाओ. शी हैड रिटन अ लेटर बिफोर मी, उसने एक लेटर लिखा बिफोर मी, मेरे से पहले वो एक लेटर लिख चुकी थी. यहाँ भी पहले से मतलब है, वह मेरे से पहले एक लेटर लिख चुकी थी, तो यहाँ मीनिंग लग रहा है पहले से. सो दैट का मीनिंग होता है जिससे कि. इट इज यूज टू शो अ रिजल्ट और एन आउटकम ऑफ एन इवेंट. हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है उस वर्क का, तो वहां हम सो दैट यूज करते हैं. जैसे शी इज रीडिंग सो दैट शी कैन पास, वह पढ़ रही है क्यों, जिससे कि वो पास हो सके. एक पढ़ना एक वर्क हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है कि वो पास हो जाएगी. वह पढ़ रही है जिससे कि वो पास हो सके. इंडिया इज प्लानिंग टू एंटर मैन्युफैक्चरिंग सो दैट रिवेन्यू कैन बी जनरेटेड. इंडिया प्लानिंग कर रही है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे कि जो रिवेन्यू है वो जनरेटेड हो सके. नेक्स्ट है देन. देन मीन्स क्या होता है, देन मीन्स कब, सॉरी तब. देन मीन्स तब, और देन वैसे एक वर्ड वो भी होता है जो हम कंपेयर में यूज करते हैं, है नी. इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, वो याद ही चीज कंपेरिजन. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होंगी आपने, उसमें देन यूज हुआ था कंपेरिजन के लिए. इट इज बेटर टू लीव द लीव देन डूइंग इट, मतलब यहाँ कंपेरिजन ही हो रहा है कि इससे तो अच्छा है, इसे करने से अच्छा है कि तुम यहाँ से जाओ, इसे छोड़ दो. इट इज बेटर टू लीव, मतलब अच्छा है कि छोड़ दो, देन डूइंग इट, इसे करने से अच्छा है कि छोड़ दो. इट वॉज इजियर सेड देन डन,
मतलब करने से ज्यादा क्या इजी है, बोलना इजी, कहना आसान है। कहते हैं ना ये बात, बोलते हैं बहुत कई टाइम, कहने से ज्यादा करने से ज्यादा, कहने से ज्यादा करना टफ है, मतलब करने से ज्यादा बोलना इजी है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब उस काम को करो तो पता चलता है। नेक्स्ट है दैट, दैट इज यूज टू जॉइन द टू डिफरेंट क्लॉजेस इन द सेंटेंस। यू हैव रीड द नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यू हैव रीड नहीं, इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी जॉइन द टू सेंटेंसेस, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, जब हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो बीच में जब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या लगाते हैं, हम दैट लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। She told me that she was a poet. उसने मुझे बताया कि वह क्या थी, वह एक पोएट थी। कि यहां से मीनिंग निकलता है कि उसने मुझे बताया कि वह एक पोएट थी। They know that you can be handy. वे जानते हैं कि तुम्हें हैंडी हो सकती। Why? वाइल मीन्स होता है बेटा, वाइल का मीनिंग कि जब हम एक साथ दो वर्क कर रहे हैं, आई एम टीचिंग और वाइल टॉकिंग, मैं पढ़ा भी रही हूँ बातें भी कर रही हूँ, जबकि बातें भी कर रही हूँ, है ना। जैसे ये है, इट इज यूज टू कंबाइन द टू डायनामिक वर्ब That may be similitous or may not be. वो similitous हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जब हम दो main verb use करते हैं, two main verb. जैसे I was reading while eating. मैं पढ़ रही थी जब खा भी रही थी, two main verb हो गए, पढ़ भी रही थी और खा भी रही थी। She was talking while crossing. She was talking while crossing. वह बातें कर रही थी और जब क्या कर रही थी, क्रॉस भी कर रही थी रोड, रोड भी क्रॉस कर रही थी और बातें भी कर रही थी। जब टू वर्ब एक से हो गए, एक साथ हो गए, जब दो वर्ब एक साथ हो रहे हो तो when we use their why, हम वहां why यूज कर। क्लियर बेटा, क्लियर हो गए। इन द लास्ट ऑफ दिस फाइल देयर इज अ एक्सरसाइज, यहाँ एक एक्सरसाइज है, वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ही इज बोथ अ सिंगर, ही इज बोथ अ सिंगर, मैं अभी आंसर छिपा लेती हूँ फिर बताना। ही इज बोथ अ सिंगर डैश ड्रमर, वह सिंगर है एंड ड्रमर, सिंगर भी है और एक ड्रमर भी है, यहाँ क्या जाएगा एंड। Ramu is poor, dash, he managed to educate his son. देखो, रामू गरीब है लेकिन he managed to educate his son. लेकिन आ गया ना, तो बट आएगा यहाँ। रामू गरीब है लेकिन he managed to educate his son. लेकिन उसने अपने बेटे को एजुकेट कराने के लिए मैनेज किया। Next, he is trusted. He cheated his boss. जबकि उसने ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्टेड है, विश्वसनीय है। मैम आपकी क्या हुआ? कट रही है। It's a net problem, बेटा। You should try to listen. ठीक है बेटा? उसने क्या किया? जबकि उसने विश्वसनीय है, ट्रस्टेड है, मतलब विश्वसनीय, फिर भी उसने अपने बॉस को धोखा दिया। यहाँ क्या आएगा? Although, Stuart is taller. ये एक नेम है, इसको सही कर लेना, सुमन बोल देते हैं। सुमन इज टालर देन हिज फ्रेंड जैक। सुमन लंबी है देन हिज फ्रेंड जैक, अपने फ्रेंड जैक से लंबी है। देन आएगा, ये कंपैरिजन डिग्री हो गई ना, देन आएगा। फादर केम टू नो, फादर को पता है हिज सन हैज पास्ट,
दैट हिज सन हैज पास्ट. फादर को पता है कि उसका बेटा पास हो चुका है. फादर को पता है कि उसका बेटा पास हो चुका है. तो की से मतलब यह क्या आएगा? दैट. आई वॉन्ट पे यू, आई वॉन्ट पे यू. मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा अनलेस यू शो मी योर कार्ड. तुम बेकार में मुझे अपना कार्ड दिखाते हो. मुझे फालतू में अपना कार्ड दिखाया तुमने, मैं तुम्हें पे ही नहीं करूंगा. नेक्स्ट, अ गुड बॉलर नो. एक अच्छा बॉलर जानता है, एक अच्छा बॉलर जानता है, क्या जानता है? वेयर टू डिलीवर अ बाउंसर. ये बाउंसर कहाँ हो सकता है, कहाँ डिलीवर हो सकता है, वेयर. यहाँ इसमें वैन भी आ सकता है, जैसे वैन भी एक वही होता है कंजक्शन, और वेयर भी आ सकता है. नेक्स्ट है, ही वॉज कैप्टन. ही वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर लॉस. हालांकि वो एक कैप्टन था, हालांकि वो एक कैप्टन था, ही वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर लॉस. फिर भी उसने लॉस को ब्लेम किया. हालांकि क्या आएगा यह ऑल्दो, although he was, although या दो. मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेन किया था कि इसमें दो भी आ सकता है, although भी आ सकता है. हालांकि वो एक कैप्टन था, लेकिन उसने फिर भी ब्लेम किया. इट्स माई रूल, यह मेरा रूल है, फॉलो इट और फॉरगेट. या तो तुम इसे याद रखो और या भूल जाओ. इट्स योर विश, एज योर विश, जैसे तुम्हारी मर्जी. ये मेरा रूल है, या तो इसे फॉलो करो या भूल जाओ, आपकी मर्जी. ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज थिंकिंग समथिंग. ही वॉज थिंकिंग समथिंग. वह कुछ सोच रहा था वाइल्ड प्ले, जब खेल रहा था. टू वर्क एक साथ हो गए, दो वर्क एक साथ हो गए. उसी में मैंने वाइल्ड का यूज बताया था कि जब वह खेल रहा था, जब कुछ सोच भी रहा था. टू वर्क सेम हो गए ना. तो ये दिस इज अवर एक्सरसाइज, यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोट. ओके, ऑल कंजक्शन आर किल.